Hello my dear students, welcome to my channel. This lecture for class 11 and we learn chapter 1 some basic concepts of chemistry. हमने previous lecture में significant figure जो है वो सीख लिए थे के significant figures के rule and कुछ practice जो है वो भी की थी. तो अब बारी आती है rounding off number की. तो ये वाली method जो है वो आपको physics के अंदर भी काम लगेगी कि figure को जो है वो rounding कैसे किया जाता है. आपने पहले भी जो है किया होगा कि अगर 5 से ज्यादा होते हैं तो क्या करते हैं कि उसका नंबर जो है वो डिजिट इंक्रीज कर देते हैं, या तो लास्ट डिजिट 5 से कम होता है तो वहां पे क्या एज इट इज रखने देंगे. तो चलो यहाँ पे देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हर एक रूल्स जो है वो सीखते जाएंगे. इफ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इज मोर देन 5 द प्रिसाइडिंग नंबर इज इंक्रीज बाय 1. मीन्स 5 से ज्यादा वाले नंबर कौन कौन से होते हैं? 6, 7, 8, 9. ओके, तो यहाँ पे 5 से ज्यादा वाले जितने भी नंबर है तो क्या करेंगे कि उसके आगे वाला नंबर जो है वो हम एक इंक्रीज कर देंगे. चलो यहाँ पे जो मैंने डिजिट लिखे हैं तो उसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें जो है वो लिखना है. तो यहाँ पे देखो 1.386, तो लास्ट वाला डिजिट जो है वो 6 है, वो 5 से ज्यादा नंबर है. तो यहाँ पे 8 जो है वो उसको हमने क्या कर दिया, प्लस 1 इंक्रीज कर दिया. तो इसका आंसर आ गया 1.39. एंड देखा जाए तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर. चलो ये वाला डिजिट है, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 8 है, तो वो 5 से जो है वो ज्यादा है. तो यहाँ पे लिखेंगे 7.79, बिकॉज के यहाँ पे 8 है तो 8 के इसके आगे जो 8 है उसके अंदर हम प्लस 1 एड कर देंगे. थर्ड वाला कि लास्ट डिजिट जो है वो 7 है, 7 जो है वो 5 से ज्यादा नंबर है, मोर देन 5 है, तो यहाँ पे ये 8 जो है वो उसको हम 9 बना देंगे. तो 3.59. ये यहाँ पे हर एक बार जो हमें 3 डिजिट क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज के यहाँ पे 3 डिजिट 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही हमें लिखना है. लास्ट वाला डिजिट 8 है तो यहाँ पे 8 जो है वो 9 बन जाएगा, 9.39. लास्ट डिजिट 6 है तो यहाँ पे ये आगे का जो 6 है वो 7 बन जाएगा, 2.67. लास्ट डिजिट 8 है तो आगे जो 2 है वो उसके अंदर प्लस 1 ऐड कर देंगे तो 3 बन जाएगा, तो 5.83. ये हो गया हमारा फर्स्ट रूल के जब 5 से ज्यादा नंबर हो, 6, 7, 8, 9. सेकंड रूल आता है कि अगर लास्ट डिजिट जो है वो कैसा है, 5 से कम हो, मतलब कैसा वाला, 1, 2, 3, 4. ओके, ये सारे जो है वो कैसे 5 नंबर से कम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे है एज इट इज वैसे ही रहने देंगे. ये मैंने डिजिट लिखे है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें लिखना है. तो लास्ट डिजिट 4 है, वो जो है वो लेस देन 5 है, तो यहाँ पे 4.33 लिखा जाएगा. लास्ट डिजिट 2 है तो यहाँ पे 2.36 लिखा जाएगा. लास्ट डिजिट 3 है तो आंसर आएगा 6.47. लास्ट डिजिट 4 है तो 7.84. चलो ये तो बहुत इजी था कि अगर 5 से ज्यादा नंबर है तो एक इंक्रीज करना है, अगर 5 से कम नंबर है तो क्या करेंगे, एज इट इज रख देंगे. प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, जब लास्ट डिजिट हमारा 5 होता है. तो 5 जो अगर डिजिट होता है लास्ट, तो अगर उसके आगे का डिजिट अगर ऑड नंबर है तो एक इंक्रीज करेंगे, अगर इवन नंबर है तो एज इट इज रहने देंगे. यहाँ पे देखो 2.465, चलो लास्ट डिजिट जो है वो हमारा 5 है, तो उसके आगे का नंबर देखो, आगे का नंबर जो है वो क्या है, 6 है. एंड 6 जो है वो कैसा होता है, इवन नंबर होता है ना. ओके, तो वहां पे क्या करना है, एज इट इज, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.46. ये सब जो है वो सब 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिखने हैं. दूसरा देखते हैं 8.375, लास्ट डिजिट 5 है, उसके आगे 7 जो है वो, 7 जो है वो क्या है, ऑड नंबर है. तो ऑड नंबर है तो क्या करेंगे हम, इसको जो है वो इंक्रीज करेंगे. तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8.37 की जगह पे लिखेंगे 8. 7.245, लास्ट डिजिट 5 है, उसके आगे जो 4 है वो कैसा नंबर है, वो जो है वो इवन नंबर है, तो रखेंगे एज इट इज, 7.24. 9.235, लास्ट डिजिट 5, बट उसके आगे का जो नंबर है वो नंबर कैसा है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज करेंगे, तो आंसर आएगा 9.24.
7.775 लास्ट डिजिट 5 है, बट उसके आगे जो 7 है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है, तो उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, तो 7.78 लास्ट डिजिट 5 है, उसके आगे जो 1 है, 1 जो है वो कैसा नंबर है, वो ऑड नंबर है, सो वी हैव टू इंक्रीज इट 6.82। ये हो गए, मतलब ये 3 रूल्स जो है वो आपको याद रखने हैं। ये दोनों इजी है, यहाँ पे सिर्फ याद रखना है कि अगर लास्ट डिजिट 5 है, ऑड नंबर है, उसके आगे तो हमें 1 इंक्रीज करना है, अगर इवन है तो एज इट इज उसे ऐसे ही छोड़ दो। चलो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हमें जो है ये वाला इसका आंसर लिखना है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, 7.782, तो इतने जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 2 है, तो 2 जो है वो क्या है, 5 से छोटा है, तो हम इसका आंसर एज इट इज रहने देंगे, समझे इतना। 12.865 3 सिग्निफिकेंट फिगर इतने होते हैं, ओके, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है वो 6 है, 6 जो है वो कौन सा वाला, 5 से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, एक नंबर जो है वो इंक्रीज कर देंगे, तो यहाँ पे आंसर आएगा 12.9, समझ आ रहा है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर 3.58 लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, वो मोर देन 5, 5 से ज्यादा है, सो वी हैव टू इंक्रीज इट 3.59। 6.47 3 सिग्निफिकेंट फिगर इतने होते हैं, लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 3 है, तो 3 है तो हमें क्या करना है, वो तो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे क्या एज इट इज रहने देंगे, 6.47 यहाँ पे आते 0.04234। अच्छा यहाँ पे इनिशियल 0 है तो हम सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसे काउंट नहीं करेंगे, तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, इतने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। चलो लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, 4 है मतलब 5 से जो है वो छोटा है, तो हमें क्या करना है, एज इट इज लिखना है, तो एज इट इज क्या लिखेंगे, 0.0423। हाँ बच्चों ऐसा मत करना कि 4.23 लिख दो, बट यहाँ पे जो है वो आगे के दो जो 0 है, मैंने सिग्निफिकेंट फिगर जब सिखाया था तो वहां पे बताया था कि इनिशियल 0 जो होते हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर काउंट नहीं होते हैं, सो डेट्स व्हाई यहाँ पे जो आंसर लिखे है वो कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला ही आंसर है हमारा। चलो यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, 5 के आगे जो है वो 4 है, तो 4 जो है वो हमारा नंबर ऑड होता है या इवन, या 4 जो है वो इवन नंबर है, सो हमें वहां पे क्या एज इट इज लिखना है उसे, तो 2.34। 7.12 3 सिग्निफिकेंट इतने होते हैं, लास्ट वाला डिजिट 3 है, तो 3 जो है वो 5 से कम होता है, तो हमें एज इट इज लिखना है 7.12। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लास्ट वाला फिगर जो है वो है 5 एंड उसके आगे जो है वो नंबर क्या है, 3, एंड 3 इज अ ऑड नंबर, सो वी हैव टू इंक्रीज इट 3.14। 3 सिग्निफिकेंट फिगर इतने होते हैं, 2, 3, 5 लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 1 है, एंड 1 जो है वो 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, ये वाला रूल अप्लाई करेंगे, एंड इस रूल में क्या कहते हैं कि जो फिगर है उसे एज इट इज रहने दो, 2, 3, 5। ओके चलो, तो ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ, एंड हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या सीखेंगे कि इसके रिलेटेड प्लस माइनस कैसे होता है, एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है सिग्निफिकेंट फिगर को लेके एंड उसे राउंडिंग ऑफ करके। थैंक यू वेरी मच।